हेलो एवरीवन आ जाओ फटाफट हम लोग गोल्डन रूल का नेक्स्ट क्लास में और आज हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का जो रिमेनिंग पोर्शन है वो खत्म करने की कोशिश करेंगे देखो बेटा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में मैंने लास्ट क्लास में आपको कलेक्टिव नाउन का पढ़ाया था याद है अब आते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पे और अब एक वर्ड को करके देखेंगे किस वर्ड के साथ कौन सा वर्ब बैठेगा यानी कौन सा सब्जेक्ट कैसा वर्ब लेगा आ जाइए नेक्स्ट पॉइंट पे और उस हम चलते हैं परसेंट वर्ड पे। बेटा याद रखना परसेंटेज जो वर्ड है ना परसेंटेज बेटा वो अनकाउंटेबल नाउन है परसेंटेज हमेशा सिंगुलर वर्ब लेगा लेकिन फंसते कहाँ हैं हम हम परसेंट पे फसते हैं याद रखना ध्यान से फिर से सुन लो बेटा परसेंट की बात अलग है और परसेंटेज की बात अलग है परसेंटेज आप अनकाउंटेबल नाउन में पढ़ोगे तो हम यहाँ फिर से रिपीट नहीं कर रहे बेटा अनकाउंटेबल नाउन हमेशा हमेशा सिंगुलर वर्ब लेता है इसीलिए अगर हम कहें द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इज ग्रेटर देन दैट ऑफ ऑक्सीजन तो परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इज कहा अगर मैं परसेंटेज ऑफ गर्ल्स का हूं तब भी इज लगेगा राइट देखो क्लियर अब आओ अगर मैं परसेंट वर्ड पे चलूं बेटा तो परसेंट में आ जाओ ये जो वर्ड है परसेंट परसेंट वर्ड का मतलब हुआ कितना परसेंट वन परसेंट टू परसेंट थ्री परसेंट कितना परसेंट राम भाव बेटा एक दो दिन में आ जाएगा आउट ऑफ स्टॉक दिखा रहा है क्योंकि आप लोग ऑर्डर करने के बाद हल्ला मचाते हो ना इसीलिए अभी आउट ऑफ स्टॉक है तो थोड़ा सा पेशेंस रखो आ जाएगा और के डी पब्लिकेशन से ही लेना क्योंकि वहां पे आपको एकदम अब जो अपडेटेड आ रहा है वो मिलेगा ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री वाला सुनो बेटा ध्यान से परसेंट का मतलब है कितना परसेंट वन परसेंट की बात मत करना हम टू परसेंट एन मोर की बात करेंगे राइट right? क्यों क्योंकि बेटा वन परसेंट का मतलब हो जाता है सिंगुलर वर्ब भी ले सकता है फिर कहोगे मैम वन परसेंट ऑफ दी पॉपुलेशन ऑफ इंडिया की बात करूं बेटा तब भी सिंगुलर वर्ब ही लेगा हम आते हैं कुछ ज़्यादा ट्वेंटी वन परसेंट अब याद रखना कि ट्वेंटी परसेंट ऑफ क्या स्टूडेंट्स ओके okay. अगर हम ट्वेंटी वन परसेंट ऑफ स्टूडेंट्स की बात करें तो देखो स्टूडेंट्स प्लूरल नाउन है उसका 21 परसेंट लोगे तो बेटा प्लूरल वर्ब ही तो आएगा मान लो सौ बच्चे उसमें से 21 परसेंट तो कहोगे मैम 21 हुआ तो बेटा प्लूरल नाउन अगर परसेंट पे है तो बेटा प्लूरल वर्ब लेगा लेकिन 21 परसेंट ऑफ अनकाउंटेबल नाउन है तो बेटा सिंगुलर वर्ब लेगा क्या सुनो ध्यान से अब मैं आपको एक रामवान बता देती हूं <coughs> कितना भी परसेंट ले लो या कितना भी रेशियो ले लो चाहे कितना भी पार्ट ले लो या कितना भी फ्रैक्शन ले लो कुछ भी ले लो अगर आप अनकाउंटेबल नाउन का लोगे बेटा जिसकी गिनती ही नहीं कर सकते उसके साथ प्लूरल वर्ब कहाँ से लगाओगे हमेशा वो सिंगुलर वर्ब ही तो लेगा राइट तो देखो क्या है ट्वेंटी वन परसेंट ऑफ एयर अनकाउंटेबल नाउन में कुछ भी ले लो आप वर्ब ही लेगा और ट्वेंटी वन परसेंट ऑफ प्लूरल नाउन प्लूरल वर्ब इसी पे बहुत एकाध क्वेश्चन ही कभी कभार आया है अजय बेटा आप मुखर्जी नगर पहुंचिए और वहां पे पूरा डिटेल मिल जाएगा देखो

पढ़ाई नहीं करने दिया जा रहा रिंकी बेटा ऐसे मां बाप से मुझे सख्त नाराजगी है जो अपने बच्चों को पढ़ने नहीं देते है। अफसोस है चलिए क्या बोलूंगा पच्चीस परसेंट पीपल एडमिट बेटा यानी ट्वेंटी फाइव परसेंट ऑफ प्लूरल नाउन प्लूरल वर्ब है देखो ठीक है हो गया पता कोई प्रॉब्लम अब हम चलते हैं देखो मैंने लिख दिया है अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर वर्ब लेता है है ना मैथ्स खत्म परसेंट अब आते हैं दूसरा चैप्टर रेशियो में बोलो कि मैडम इतना जल्दी जल्दी मैथ्स के चैप्टर खत्म कर रहे हैं नहीं देखो कितना बढ़िया चैप्टर राइट आजा नेक्स्ट नंदग्राम बेटा आप मुझे व्हाट्सएप कर दो थैंक यू पर्पल आर्मी सुनो रेशियो बेटा रेशियो का मतलब क्या होता है रेशियो मतलब टू बाई थ्री फोर बाई फाइव यानी कुछ भी होगा एक्स बाई अनकाउंटेबल नाउन पहले बता चुके हैं ये हमेशा सिंगुलर वर्ब लेगा. x बाई वाई ऑफ क्या सिंगुलर नाउन बेटा एक का चाहे जितना भाग कर लो वो सिंगुलर ही तो रहेगा एक के अंदर ही तो रहेगा सिंगुलर वर्ब दूसरा एक्स बाई वाई ऑफ़ क्या प्लूरल नाउन तो प्लूरल वर्ब होगा क्योंकि आप बहुत सारे बच्चों से अगर एक्स वाई, वाई पार्ट करोगे तो प्लूरल वर्ब सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब ही रहेगा अनकाउंटेबल है तो सिंगुलर वर्ब ही लेगा देखो बस यही तो था। है ना समझ में आया देखो अब जरा ध्यान से देखना बेटा अगर हम वन थर्ड कह रहे हैं ऑफ दी स्टूडेंट्स ओके वन थर्ड ऑफ दी स्टूडेंट्स वन थर्ड ऑफ दी स्टूडेंट्स ओके प्लूरल नाउन है तो प्लूरल आ रहा है देखो तो यस प्लूरल आ रहा है है ना नेक्स्ट थ्री फोर्थ कैसे हो गया चलो अभी जो बताए वो तो देख लू पहले मैं ऑफ दी सिलेबस सिलेबस मतलब बेटा एक ही सिलेबस है सिलेबस का प्लूरल होता है बेटा सिलबाई ठीक है रहने दो मैं देख लूंगी सिलेबस का प्लूरल होता है सिलेबाई यानी सिंगुलर नाउन सिलेबस इसके साथ सिंगुलर वर्ब आया देखो बिल्कुल सही है ठीक है एंड टू थर्ड ऑफ द इंफॉर्मेशन बेटा इंफॉर्मेशन मतलब अनकाउंटेबल नाउन तो सिंगुलर वर्व है देखो तो यस सिंगुलर वर्व अब सुनो ध्यान से ध्यान से देखना नंद राम आपके पास फोन आया होगा बेटा यस मोक्ष सिलेबस का प्लूरल सिलेबाई राइट अब सुनो ध्यान से बेटा थ्री फोर्थ क्यों है वन थर्ड है इसमें एस क्यों नहीं लगाया भाई इसमें एस नहीं है ऊपर इसमें एस है इसमें है क्यों ऐसे सुनो मैथ्स में एक बात याद रखना बेटा अगर न्यूमरेटर प्लूरल है तो डिनोमिनेटर में एस लगता है न्यूमरेटर अगर सिंगुलर है तो डिनोमिनेटर में एस नहीं लगता न्यूमरेटर अगर प्लूरल है तो डिनोमिनेटर में एस लगता है और मैथ्स की बुक में ये है ही नहीं कहीं मैथ्स की बुक में थ्री फोर्थ है टू थर्ड है जबकि थ्री फोर्थ होना चाहिए टू थर्ड होना चाहिए वन थर्ड ठीक है वन फोर्थ ठीक है समझ में आया देखो अब देखो यहां ध्यान से नाइन टेंथ बिल्कुल सही है ऑफ दी पिलर पिलर मतलब पिलर मतलब सिंगुलर नाउ वर्व क्या होगा सिंगुलर वर्व होगा राइट right? नेक्स्ट थ्री फोर्थ्स ऑफ दी मैन बेटा थ्री फोर्थ्स ऑफ दी मैन मैन मतलब मैन का प्लूरल मैन प्लूरल नाउन तो प्लूरल वर्ब लेगा ले गा ना? हाँ, आप देखो क्लास नोट्स में यही फायदा है जहां पे जो कॉन्सेप्ट मैंने एक्सप्लेन किया है बेटा उससे रिलेटेड क्वेश्चन वहीं पर लगाएं बेटा प्लीज आप इस सेशन को लाइक कर दो और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो स्पोकन का एक मैंने अलग से चैनल बनाया है उसका लिंक आज फिर से मैं शेयर कर दूंगी आप उस चैनल पे आ जाना स्पोकन के लिए और उसमें मैं एकदम बेसिक से शुरुआत करूंगी एकदम नीचे से ठीक है जिनका बहुत गंदा है इंग्लिश ना उनका इंग्लिश उसमें इंप्रूव हो जाएगा देखो अब आती हूं नंबर पे ध्यान से सुनना नंबर का कैसे यूज करते हैं अर्जुन सिंह थैंक यू सो मच आ जाओ देखो ध्यान से देखो नंबर सबसे पहले हमने ये प्लूरल काउंटेबल नाउन क्यों लिखा है खुद सोचो नंबर ऑफ बॉय कहते हैं कि नंबर ऑफ बॉयज कहते हैं बेटा नंबर ऑफ बॉयज कहते हैं नंबर ऑफ गर्ल कहेंगे कि नंबर ऑफ गर्ल्स नंबर ऑफ गर्ल्स कहेंगे नंबर ऑफ वाटर कहेंगे बिल्कुल गलत वाटर अनकाउंटेबल नाउन है उसकी संख्या कैसे गिन लोगे है ना इसीलिए एक पॉइंट ध्यान रखो कि नंबर के साथ कभी भी इस्तेमाल करोगे तो प्लूरल काउंटेबल नाउन होगा नंबर के साथ हमेशा इस्तेमाल करेंगे प्लूरल काउंटेबल नाउन शुभम अपना ऑर्डर आईडी दे दो जितने लोगों का बुक नहीं पहुंचा है प्लीज़ यहाँ पे जो मैसेज लिख रहे हो अपने ऑर्डर आईडी के साथ लो जरा देखना वीर ठीक है जितने भी ऑर्डर आईडी के साथ आएंगे ना ऑर्डर नंबर के साथ ऑर्डर नंबर के साथ आप सबको थोड़ी देर में कॉल चला जाएगा नहीं तो कल सुबह चला जाएगा ठीक है चलो सुनो नंबर का इस्तेमाल कैसे करते हैं अगर मैं कहूं मेरे कई दोस्त आए हैं कई स्टूडेंट्स क्लास में आए कई किताबें मैंने लिखी है तो मैं कैसे कहूंगी अ नंबर ऑफ कम अ नंबर ऑफ के साथ प्लूरल नाउन प्लूरल अ नंबर ऑफ के साथ मैंने क्या कहा प्लूरल नाउन प्लूरल वर्ब अब आओ कि पूछोगे मैम ठीक है आपने कई किताबें लिखी हैं किताबों की संख्या कितनी है समझ में आया किताबों की संख्या के बारे में बताइए संख्या ओके द नंबर ऑफ बुक्स इज टेन द नंबर ऑफ बॉयज इज फाइव थाउजेंड द नंबर ऑफ पीपल इज फिफ्टी लैक्स यानी कि अ नंबर ऑफ के साथ प्लूरल नाउन प्लूरल व नंबर ऑफ के साथ प्लूरल नाउन सिंगुलर वर्ब क्योंकि नंबर ऑफ बताता है कई और द नंबर ऑफ बताता है उसकी संख्या देखो वो कैबरे के सारे क्लासेस डिलीट नहीं है बेटा सिनोनिम्स खुल गया है सिनोनिम्स खोला हुआ है मैंने अवधेश बेटा पेड है मेरा लेक्चर पेड है उसमें आप जो देख रहे हो ना वो फ्री वाला लेक्चर देख रहे हो मेरा जो लेक्चर है वो पेड है उसमें वॉल्यूम वन में चलो जरा बताओ तो आंसर बताओ सब्जेक्ट वर्व एग्रीमेंट चल रहा है नंद का देख लो जरा आजा देखो पूजा पटेल बिल्कुल समझ गई ठीक से जरा देखो तो क्या होगा <coughs> बेटा विल के बाद वर्व का बेस फॉर्म आता है राधा तो आपने बी लगा दिया मैंने गो लगा दिया किसी ने कम लगा दिया कोई भी वर्ब का बेस फॉर्म लगा दे, देखो लो आजा द नंबर ऑफ खत्म मेरा हो गया मैं समझ गई द नंबर ऑफ एक जरूर सिंगुलर वर्ब होगा जो प्लूरल दे दिया होगा वेरी गुड हो गया खत्म मेरा काम है ना द नंबर ऑफ गेस्ट्स इनवाइटेड टू द पार्टी इज फाइव हंड्रेड मतलब जो अतिथि है उनकी संख्या 500 है देखो अ नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ प्लूरल नाउन सिंगुलर वाएगा वर्व कहा गया वर्व कहां गया इज डिस्कवर्ड ठीक है आप रुक जाओ देखते हैं क्या है नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ रिजेंबलेंस रिजेंबलेंस का मतलब है बेटा समानता जो किसके बीच में समानता है भाई ऑस्ट्रेलिया का जो लैंग्वेज है और ड्रेवीडियन जो लैंग्वेज है उसमें कई समानताएं दिखी बेटा ऑन नंबर ऑफ के साथ इज तो नहीं आएगा आर आएगा लेकिन जरा मैं एक बार पढ़ लूं क्या बोलना चाह रहा है कि भाई कई समानताएं पाए गए हैं डिस्पाइट द फैक्ट दैट होम्स ऑफ टू रेसेस आर सो फार अ पार्ट कहां ड्रेवेडियन? है ना साउथ इंडिया में है ना और कहां ऑस्ट्रेलिया और दोनों के लैंग्वेज में समानताएं पाए गए हैं पाए गए हैं, हैं। बेटा ये इज नहीं होगा प्लूरल वर्ब होगा बस ठीक है इज नहीं होगा प्लूरल वर्ब होगा हालांकि प्लूरल वर्ब में बेटा हैव हाँ बीन होना चाहिए था पाए गए हैं पैसिव वॉइस हाँ है ना देखो और आंसर इसका फोर होगा क्योंकि हमें ज्यादा कुछ देखना नहीं है हमने द नंबर ऑफ देखा तो हम सिंगुलर वर्ब लगाएंगे और, और नंबर ऑफ देखा तो हम प्लूरल वर्ब लगाएंगे बस काम खत्म मेरा देखो तो एम टी एस के लिए बेटा मैंने सात आठ टेस्ट पेपर्स करवाए हैं आपको देख लो और जो पढ़ा रही हूं वो सारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है ठीक है चलो देख लिया अब आओ नेक्स्ट देखो ये आ जाओ मोर देन वन मोर देन वन बेटा कई बार आया हुआ है पता है क्यों सौरभ मैं देख लेती हूं बेटा पता है नहीं कोल्ड नहीं हुआ बेटा मुझे गर्मी लगती थी मैंने सामने ए सी लगा दिया अब ठंड लगने लगती है <laughs> सुनो <laughs> मोक्ष क्या मजाक कर रही यार सुनो मोर देन वन क्या है एक से अधिक हाँ दीपेश को तो कोरोना वायरस दिख रहा है बेटा सामने ऐसी छीक आ गई मोर देन एक से अधिक मैम एक एक से अधिक लड़के, एक से अधिक अधिक लड़के, बच्चे एक से अधिक शहरों की बात होती है बेटा अगर मैं कहूं एक से अधिक लड़का आया है आप कहोगे ये कौन सा हिंदी बोल रहे हो एक से अधिक लड़का आया है, है ना है मोर सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब ठीक है मोर देन वन के साथ क्या है सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब आप कहोगे मैम हम ऐसे तो नहीं बोलते हैं। हम कहते हैं एक से अधिक लड़के आए हैं हम ऐसे कहते हैं ओके okay. तो आपको हिंदी का ट्रांसलेशन करना है तो मोर के बाद वॉइस लगा दो फिर दैन वन तब हाँ कम होगा मतलब मतलब ये है अगर मोर देन वन को इकट्ठा लिखोगे ना तो सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब आएगा और मोर के बाद दान वन को अलग कर दोगे तो plural noun, प्लूरल नाउन प्लूरल वर्ब आएगा दोनों स्ट्रक्चर सही है और दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं ठीक है समझ में आया अगर मैं ये कहूं कि एक से अधिक किताबें जरूरी है एग्जाम के लिए बताओ तो कैसे बोलो एक से अधिक किताबें जरूरी हैं नित्यानंद बेटा तुम श्वेता के पीछे मत पढ़ो तुमको बिल्कुल घास नहीं डालेगी है ना मैं पढ़ा रही हूं ध्यान दो हम्म शुभम हम का देख लो बोलो एक से अधिक किताबें जरूरी है बताओ कैसे बोलोगे नंदराम आपको आ जाएगा कल तक कॉल <laughs> ओम भीर मैं हरबड़ी में थी हां बोलो जल्दी दीक्षा मोर देन वन बुक इज इंपॉर्टेंट वेरी गुड और बताओ दूसरा तरीका और दूसरा तरीका मोर देन वन बुक इज नेसेसरी ठीक है दूसरा Yes, दोनों तरीका बताओगे ना बेटा पहला तरीका ये बना मोर दान वन के साथ सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब बुक लगाऊंगी बुक्स नहीं इज नेसेसरी है ना दूसरा अब हम अलग अलग कर दे मोर बुक्स दान वन अब यहां पे मोर बुक्स है बुक्स प्लूरल हो गया और फिर प्लूरल वर्ब आर देखो नेसेसरी मतलब दोनों स्ट्रक्चर सही है लेकिन याद रखना मोर देन वन ही आता है एग्जाम में क्यों आता है ज्यादा ये क्योंकि बेटा हमें आदत होती है बोलने की एक से अधिक किताबें जरूरी हैं और यहां क्या बोल रहा है एक से अधिक किताब है ना देखो समझ में आया दोनों स्ट्रक्चर सही है लेकिन याद आपको रखना है कि क्वेश्चन यहां से ज्यादा आता है अब आओ ऑल पे देखो जरा ध्यान से कहते हैं ऑल प्लूरल है ऑल मतलब सभी सभी मतलब प्लूरल है बट सभी क्या सभी क्या सभी चीज सभी पानी सभी हवा है ना तो ऑल का मतलब संपूर्ण भी होता है है ना इसीलिए ऑल अगर मैं कह दूं ऑल एस वेल दैट एंड्स वेल बेटा यहां ऑल सिंगुलर वर्ब लिया है दैट एंड्स सिंगुलर वर्ब है इसका मीनिंग है अंत भला तो सब भला ऑल दैट ग्लिटर्स ग्लिटर्स मतलब वर्ब का एस ई एस फॉर्म इज नॉट गोल्ड देखो सिंगुलर वर्ब है सब कुछ जो चमके वो सोना नहीं है देखो सिंगुलर नाउन है ग्लिटर्स यहां पे सिंगुलर नाउन है ठीक है सिंगुलर नाउन और ये सिंगुलर वर्ब देखो सॉरी सिंगुलर वर्ब दोनों तो सिंगुलर वर्ब है सॉरी ऑल यहां पे सिंगुलर नाउन है अनकाउंटेबल नाउन हर सब चमकने वाली चीज सोना नहीं है ऑल यहां पे अनकाउंटेबल नाउन है अंत भला तो सब भला यानी सब कुछ जो ठीक ठाक खत्म हो जाए क्लियर सुनो ध्यान से अब अगर आप कहोगे सभी लड़के सभी लड़कियां कहोगे घर में सभी ठीक है तो कहते हो ऑल आर वेल एट होम तो याद रखना ऑल के साथ प्लूरल वर्ब भी आता है और ऑल के साथ सिंगुलर वर्ब भी आता है है ना लेकिन अगर ऑल लड़के कहोगे तो बेटा ऑल द बॉयज लगाना पड़ेगा ऑल द बॉय लगा दोगे तो गलत हो जाएगा ऑल द बॉयज की बात करते यानी ऑल के साथ अगर नाउन लगाओगे तो हमेशा प्लूरल काउंटेबल नाउन ही आएगा हां अनकाउंटेबल लगाओगे तो ठीक है गिनती कर ही नहीं सकते ठीक है बोलो कोई प्रॉब्लम पीडीएफ प्लीज बताओ बेटा पीडीएफ आपको मिल जाएगा कहां पे? गोल्डन रूल्स में ठीक है क्लियर बेटा सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है याद रखना और जितना मैं पढ़ा रही हूं इससे कम पढ़ाना सही नहीं होगा क्योंकि गोल्डन रूल्स में बेटा मैं निचोड़ के ही बता रही हूं वन पे आउट वन वर्ड सब्सटीट्यूशन की क्लास ओपन करा दे अमन बेटा सिनोनिम्स की क्लास ओपन करा दी अब तुम लोग सब कुछ ऐसे करते रहोगे तो मैं कैसे करूँगी मैं यहाँ तो पढ़ा ही रही हूँ आ जाओ मनीष आप अपना नाइन ट्रिपल फाइव वन जीरो डबल एट डबल एट पे कल कॉल कर लेना चलो आ जाओ देखो वन पे वन क्या है बेटा वन एडजेक्टिव भी है अगर वन एडजेक्टिव लोग हैं ना तो सुनो ध्यान से तो कहोगे वन क्या एक लड़का बॉय सिंगुलर है तो has done. और लड़के ने अपना काम किया है तो हिज वर्क देखो यहां पे अगर वन एडजेक्टिव है तो मुझे एडजेक्टिव से मतलब नहीं है नाउन से मतलब है वन सिंगुलर नाउन लेगा क्योंकि वन है वो सिंगुलर वर्ब लेगा देखो सिंगुलर एडजेक्टिव लिया है ना और अगर लास्ट में लगाओगी हिमसेल्फ तो ही के अकॉर्डिंग चल रहा है सब देखो सिंगुलर प्रोनाउन लिया लेकिन अगर मैं खाली वन बोलूं और उसके बाद कोई नाउन नहीं लगाऊं तो बेटा इसका मतलब वन प्रोनाउन है इसका मतलब वन प्रोनाउन है वन मस्ट परफॉर्म हिज कहां से होगा यार वन बॉय होगा तब हिज होगा वन का वंस और वन सेल्फ होता है चलिए अब मैं आपसे एक ट्रांसलेशन पूछूंगी नहीं अभिषेक मैं सिर्फ मुखर्जी नगर में लेती हूं चलो मुझे बताना वह अपना काम खुद करता है जल्दी बताना वह अपना काम खुद करता है कैसे बनाओगे okay, जल्दी से बनाओ जल्दी 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 पॉस्क्यूमस hmm? मोक्ष पॉस्क्यूमस अरे दीप्ति तीन दिन से पेमेंट फेल हो रहा है आपका तो आप फटाफट नाइन ट्रिपल फाइव वन जीरो डबल एट डबल एट पर कॉल करिए वह अपना काम खुद करता है इसका बताओ तो इंग्लिश जल्दी से Hmm? सुनो देखो वह अपना काम खुद करता है ही डस वर्क हिमसेल्फ अब अगर मैं ही को चेंज कर दूं शी में तब क्या करोगे ही डस हिस वर्क हिमसेल्फ अब ही को हमने शी में चेंज किया शी डस हर वर्क हर सेल्फ जबकि मैं कहूंगी वह अपना काम खुद करती है बेटा अपना और खुद ये तो रिपीट हो रहा है मैं अपना काम खुद करती हूं आई डू माई वर्क माई सेल्फ तो याद रखना यह सबको पता है लेकिन अगर हम ये ही शी आई के बदले में वन लगा दे तो वन डस ंस वर्क वन सेल्फ क्वेश्चन यहां से आता है वंस वर्क वन सेल्फ क्वेश्चन यहां से आता है देखो वन डस वंस वर्क वन सेल्फ वन वंस वन सेल्फ देखो ठीक है क्लियर बोलो कोई प्रॉब्लम यहां तक नितेश ब्रेन एक्सचेंज कर लेंगे तो बेटा वो खाली डब्बा लेके मैं कहाँ जाऊंगी फिर बेरोजगार हो जाऊंगी हाँ तुम तो मस्त हो जाओगे चलो यानी वन का वंस एंड वन का वन सेल्फ ये ध्यान रखना सुनो ये वन कहाँ कहाँ और इस्तेमाल होता है दिस कार इज बेटर देन दैट कार आप कहोगे मैम कार का रिपीटेशन है पूरा का पूरा प्रोनाउन चैप्टर पढ़ते हैं कार के रेपिटेशन नहीं हो यानी नाउन का रेपिटेशन से बचने के लिए तो नाउन के रेपिटेशन से बचिए तो फिर एक कार है भाई इसके रेपिटेशन से बचना है दैट के बाद हमें सिंगुलर नाउन नहीं सिंगुलर प्रोनाउन चाहिए तो वन लगा दिया एंड दीस बुक्स दो प्लूरल एडजेक्टिव है इसके बाद क्या आएगा तो ओ एन ई एस आएगा बेटा याद रखना वन का वंस एंड वन का प्लूरल ओ एन ई एस वंस वन मस्ट परफॉर्म वंस ड्यूटी वन सेल्फ होगा बेटा चलो अब मुझे ट्रांसलेट करके बताना तो देखती हूँ ये पॉइंट समझ में आया कि नहीं किसी भी व्यक्ति को अपना वादा निभाना चाहिए जल्दी से ट्रांसलेट करो तो किसी भी व्यक्ति को अपना वादा निभाना चाहिए जल्दी से फटाफट बताओ तो मैं कुछ भी पढ़ाऊंगी नेक्स्ट क्लास में लेकिन अगर आप लोग शेयर नहीं करोगे और मैं चैनल का सब्सक्रिप्शन बढ़ता हुआ नहीं देखूंगी बेटा मैं हूं बहुत पागल मैं छोड़ देती हूं और बीच में छोड़ देती हूं ठीक है क्योंकि यहां पे गिव एंड टेक रिलेशन होना चाहिए है ना ऐसा थोड़ी है कि मैं पढ़ाती चली जाऊं और तुम लोग की मर्जी हुँ? ना शेयर करोगे ना चैनल को सब्सक्राइब करोगे ना वीडियो को लाइक करोगे तो मैं पागल बैठी हूं वन शुड कीप वर्ड वेरी गुड बेटा वन शुड या मस्ट प वंस ओ एन ई एस बेटा वन का प्रोमिस वंस वंस प्रोमिस वेरी गुड यानी वन का वंस अगर मैं कहूं ये लड़के उन लड़कों से अच्छे हैं आप बताओ आप कैसे करोगे ये लड़के उन लड़कों से अच्छे हैं जल्दी बताओ तो ये लड़के उन लड़कों से हां ब्लैकमेल तो करूंगी क्यों नहीं करूं मैं तुम लोग बच्चों ब्लैकमेल नहीं करते हो हाँ ये चाहिए नहीं तो छलकूद मचा दोगे हम नहीं कर सकते जल्दी बताओ ये लड़के उन लड़कों से अच्छे हैं वो कैसे बनाओगे वसीम रुको कल कॉल कर लेना नाइन ट्रिपल फाइव वन जीरो डबल एट डबल एट पे ये लड़के उन लड़कों से अच्छे हैं जल्दी बताना तो जल्दी सर जल्दी हाँ राधा थैंक यू सो मच बेटा हाँ देखो दीज आर बेटर अच्छे हैं यानी बेहतर है बेटर देन दोस्त तो लगा दिया हमने और बॉयज मत लगाना क्योंकि बॉयज का प्लूरल को रिपीटेशन से बचना है तो ओ एन ई एस बेटा प्लूरल नाउन का रेपिटेशन से बचना है तो ओ एन ई एस और वन का वंस वन का वंस वन का प्लूरल ओ एन ई एस देख लो ध्यान से ठीक है अब आती हूं मैं तो कुछ कहते छोटे छोटे पॉइंट से देखो सम आ जाओ सम क्या है सम सम सिंगुलर भी है सम प्लूरल भी है सम अनकाउंटेबल भी है कैसे देखो सम बॉयस आर मिसिंग यानी कुछ लड़के नहीं है मिसिंग है सम फर्नीचर बेटा फर्नीचर अनकाउंटेबल नाउन है अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर लेगा कुछ फर्नीचर रूम में पड़े हुए हैं कोई लड़का खड़ा है जो राहुल नाम का है तो कैसे कहूं मैं सम राहुल इज स्टैंडिंग एट द गेट यानी सम का मतलब यहां निकल रहा है कोई अगर सिंगुलर नाउन लोगे तो उसका अर्थ कोई है थोड़ा फर्नीचर पड़ा हुआ है रूम में कुछ फर्नीचर पड़े हैं रूम में देखो और यहां पर प्लूरल काउंटेबल नाउन बताओ क्लियर राइट right? देखो काल जी बेटा मैंने पचहत्तर बार यहां कहा है कि मेरा कोई भी सेंटर इलाहाबाद में लखनऊ में आ, कोटा में बुलंदशहर में नहीं है ये चारों 2019 में हमारे से फ्रेंचाइजी की बात कर रहे थे उसके बाद लॉकडाउन लग गया लॉकडाउन के बाद मेरे पास नहीं आए मुझे किसी से पता चला कि ये लोग ऑलरेडी चला रहे हैं फिर मैंने नोटिस तो दे दिया है देखो क्या कहा मैंने सम राहुल Is standing at the gate. बेटा is, plural noun, plural verb, uncountable noun, singular verb, singular noun, singular verb, singular तो हमेशा सिंगुलर ही लेता है Some राहुल की जगह पे any राहुल ना बेटा any हम सिंगुलर के साथ लगा सकते हैं any, लेकिन बेटा any नेगेटिव वाक्य में आता इसीलिए सम के जगह पे हम any नहीं लगा पा रहे है. और राहुल कह सकते थे और राहुल ठीक है अब देखो सम हो गया इसे जानते हो सम सबसे अच्छा सबसे आसान चीज है अनकाउंटेबल के साथ भी चलता है सिंगुलर के साथ भी चलता है प्लूरल के साथ भी चलता है सबसे अच्छी बात है इसलिए क्वेश्चन भी नहीं आता है ज्यादा इससे आ जाओ सम थिंग एनीथिंग एवरीथिंग बेटा एक बात बताओ ये पढ़ने की चीज है कुछ समथिंग बेटा सम राहुल का मतलब कोई राहुल मान लो मैं क्लास के अंदर जा रही हूं मैं आपको बता सम राहुल हैज़ कम टू मीट यू क्यों हुआ सम राहुल इज स्टैंडिंग एट द गेट क्यों हुआ मान लो मैं क्लास के अंदर जा रही हूं पढ़ाने और एक लड़का खड़ा कहा मैम जरा पंकज को भेज देंगे मैं कहूंगी तुम कौन तो कहेगा मैं राहुल हूं तो मैं आके पंकज से कहूंगी सम राहुल हैज कम टू मीट यू क्योंकि मैं राहुल को तो जानती नहीं हूं तो हिंदी में क्या कहते हो कोई राहुल आपसे मिलने आया है ना कोई राहुल आपसे मिलने आए बेटा जब मेरा क्लास खत्म हो जाए ना आप इसके कमेंट में अपना जो ऑर्डर नंबर है वो लिख के अपना प्रॉब्लम बता देना ठीक है और वीर सबका ऑर्डर नंबर देख के उसको कल कॉल करवा देना क्योंकि फ़ोन नंबर लिखना सही नहीं होगा कमेंट पे आप सिर्फ ऑर्डर नंबर लिखना चलो रजत बेटा बहुत प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ती है ऐसे नहीं हो जाता क्लोज टेस्ट सुनो थिंग एनीथिंग नथिंग एवरीथिंग बेटा अनकाउंटेबल है कुछ कुछ भी नहीं है ना जब थिंग लग गया ना तो अनकाउंटेबल है और बेटा अनकाउंटेबल का रेशियो लेना है प्रोपोर्शन लेना है पार्ट लेना है कुछ भी लेना है ले लो लेकिन वर्ब तो सिंगुलर लेगा क्यों इंग्लिश विद, नहीं बेटा आपका आंसर मैं डाउट्स तो ले ही रही हूं कहा नहीं ले रही हूं सुनो कुछ भी होगा वो सिंगुलर वर्ब लेगा कैसे समथिंग इज मिसिंग देखो सिंगुलर वर्ब कुछ भी असंभव नहीं है नथिंग इज इंपॉसिबल ठीक है इज एनी थिंग रिक्वायर्ड देखो यानी कुछ भी हो नथिंग एनीथिंग समथिंग एवरी थिंग बेटा ये अनकाउंटेबल है ये चारों अनकाउंटेबल के लिए यूज होता है अनकाउंटेबल प्रोनाउन है ये और अगर अनकाउंटेबल प्रोनाउन है तो हमेशा सिंगुलर वर्ब ही ले का बहुत जल्दी आ रही हूँ चौदह तारीख को यानी संडे को आपसे मुलाकात करने जितने भी मेरे जयपुर के स्टूडेंट्स है या आप कहीं के भी स्टूडेंट हो अगर आपको गाइडेंस चाहिए रिलेटेड टू एनी एग्जाम जरूर आना संडे को आपसे मुलाकात होगी जयपुर सेंटर में अराउंड 11 बजे ठीक है क्लियर यस बेटा मेरे से पढ़ के आपके हैंडराइटिंग भी आराम से सुधर जाएगी अब आ जाओ मैनी सुनो मैं अगर कहूं कई लड़के आए हैं तो मैं कहूंगी भाई कई कई का मतलब मैनी हो गया क्योंकि बहुत सारों की बात हो रही है तो मैं कहूंगी मैनी तो बिल्कुल बहुत अच्छा है मैनी के साथ प्लूरल नाउन प्लूरल वर्ब बेटा मैनी क्या है प्लूरल एडजेक्टिव उसके साथ क्या आएगा प्लूरल नाउन ही आएगा तो वर्ब बेटा प्लूरल वर्ब आएगा वाह गॉड सेलेक्टेड एट्स पोस्टल थ्रू एस एस सी सी एच ओ सल फोर्टी एट आउट ऑफ फिफ्टी वेरी गुड चलो यहीं पर आपने थैंक यू मैम कह दिया बहुत अच्छा है देसी बॉयज मिठाई आके खिला दोगे तो और अच्छा लगेगा स्टूडेंट से भी मुलाकात हो जाएगी आपकी है ना चलो सुनो मैनी बेटा प्लूरल नाउन लेता है और प्लूरल वर्व लेता है ध्यान से सुनना मैनी क्या है प्लूरल एडजेक्टिव है क्या लेगा प्लूरल नाउन प्लूरल वर्ब अब सुनो अगर मैं ये कहूं कि ग्रामर पर कई किताबें बाजार में मौजूद है बताओ तो कैसे बोलोगे कई कै किताबें ग्रामर पर उपलब्ध है कैसे बताओगे बोलो तो जल्दी फटाफट ग्रामर पर कई किताबें उपलब्ध है कैसे बोलोगे जल्दी कुमारी नमिता बेटा बदरपुर आ रही हूँ मैं बदरपुर आ रही हूँ मुझे लगता है नेक्स्ट संडे बदरपुर है इस संडे uh, जयपुर है नेक्स्ट संडे बदरपुर है समथिंग नथिंग के क्वेश्चन टैग प्लूरल नहीं मोक्ष उसके समथिंग नथिंग के क्वेश्चन टैग सिंगुलर होंगे बोलो मैनी बुक्स बुक्स बेटा बुक्स आर अवेलेबल देर आर मेनी बुक्स अवेलेबल इन मार्केट मोक्ष बिल्कुल सही बिल्कुल सही देखो या तो मैं कहूं देर आर many बुक्स देर आर many बुक्स ऑन ग्रामर ऑन ग्रामर अवेलेबल इन द मार्केट या फिर मैं सीधा कहूं many बुक्स ऑन ग्रामर आर अवेलेबल इन द मार्केट है ना इन द मार्केट छोड़ दे रही हूं मैं अभी अब सुनो मैनी क्या है प्लूरल एज्जेक्टिव नाउन क्या लेगा बाई प्लूरल नाउन लेगा वर्व क्या लेगा प्लूरल लेगा मैनी क्या है प्लूरल एज्जेक्टिव वर्व देखो प्लूरल वर्व लिया नाउन प्लूरल लेगा मैनी बेटा हमेशा प्लूरल नाउन लेता है प्लूरल वर्ब लेता है भाई इतना तो आता होगा ये मान के चलते हैं कई बार मैनी नहीं मैनी अ तो बोलेंगे अच्छा मैनी अ तो चलो मैनी इज अवेलेबल जैसे ये लिखते हैं ना बच्चा खुद ही कंफ्यूज हो जाता है मैम मैनी अ लगाए हो तो बुक लगा दिया और इस लगा दिया जबकि कई किताबें, हैं एक किताब तो है नहीं फिर बुक क्यों लगाया सेम बात एक और तरीके से लिख सकते हो मैनी सेम बात एक और तरीके से लिख सकते हो मैनी अब बेटा मैनी सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्व लेता है बेटा ये आपको नहीं आता है इससे ज्यादा क्वेश्चन आता है बेटा बुक्स ऑन ग्रामर होगा बुक्स ऑफ ग्रामर नहीं है बुक्स ऑन ग्रामर राम भा याद रखना ठीक है प्रपोजिशन का मिस्टेक कर रहे हो ऑफ लगा के सुनो ठीक है यानी ये स्ट्रक्चर जनरली लोग जानते हैं कि मैनी के साथ प्लुरल नाउन प्लूरल, प्लूरल वर्ब लेकिन मैनी अ के साथ सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब इसमें आप कंफ्यूज कर जाते हो इसलिए ये लगाया देखो ठीक है Clear? चलो नेक्स्ट आओ अ ग्रेट मैनी अ गुड मैनी देखो ध्यान से हम्म विजय कुमार बेटा मैं एक सप्ताह से ऑफिस जा ही नहीं पा रही हूं क्योंकि मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं थी चलो आप मुझे व्हाट्सएप करो एक बार क्लास खत्म होने के बाद डबल एट सिक्स जीरो डबल थ्री ट्रिपल जीरो थ्री पे ठीक है आप मुझे एक बार व्हाट्सएप करो ठीक है नेक्स्ट नेक्स्ट देखो अ गुड मैनी अ ग्रेट मैनी अगर मैं ये कहूं अच्छी खासी संख्या में किताबें ग्रामर पर मौजूद है आप कैसे लिखो अच्छी खासी संख्या में अट मैनी गुड मैनी बुक्स आर अवेलेबल ऑन ग्रामर अ ग्रेट मैनी का मतलब अच्छी खासी संख्या में गुड मैनी का मतलब अच्छी खासी संख्या में दोनों का मतलब अच्छी खासी संख्या में अब आ जाओ तो इससे रिलेटेड में क्वेश्चंस कैसे बनाऊं आपको वन से लेकर फाइव तक क्वेश्चन करो आप समझ जाओगे कि इसको बनाना कैसे है जरा देखो जल्दी वन से लेकर फाइव तक जल्दी करना टीजीटी के लिए बेटा कोई भी स्पेशल बैच ले लो कोई भी स्पेशल बैच ले लेना देख लिया कर लिया देखो फटाफट जल्दी से फटाफट देखो हम्म देखो अ ग्रेट मैनी के साथ बेटा अभी प्लूडल नाउन बताया था स्टूडेंट्स होगा ठीक है मैनी अ के साथ सिंगुलर नाउन और सिंगुलर मैनी अ के साथ सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब होगा मैनी अ के साथ सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब होगा देखो अब कंट्रीज है बेटा मैनी का सुपरलेटिव डिग्री मोस्ट लगा हुआ है कोई बात नहीं मैनी मोर मोस्ट होता है लेकिन प्लूरल नाउन है यार तो प्लूरल वर्व होगा ना ये देखो है ना मैनी आ सिंगलर नाउन सिंगुलर वर्व अ ग्रेट मैनी प्लूरल नाउन प्लूरल वर्व मैनी आ सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्व देखो लेकिन देखो तीन क्वेश्चन मैनी पर है एकमात्र क्वेश्चन अ ग्रेट मैनी पर है तभी तो मैंने कहा कि भाई मैनी अ नहीं आता हमें वो प्रॉब्लम है चलो मीनिंग देख लो अ ग्रेट मेनी स्टूडेंट्स हैव बीन सक्सेसफुल यानी काफी बच्चे सक्सेसफुल डिक्लेयर हुए हैं मोस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड आर फॉर पीस अधिकांश देश बस चाहते हैं पीस हो शांति हो ठीक है मैनी हैज रियलाइज्ड दैट रियल हैप्पीनेस लाइज इन मेकिंग सेक्रीफाइसेस कई लोग ये रियलाइज किए हैं जो रियल हैप्पीनेस है वास्तव में जो हैप्पीनेस है वो सेक्रीफाइस करने में मैनी अ मैन वॉन्ट्स टू बी रिच क्विकली कई एक लोग बहुत जल्दी पैसे वाला होना चाहते हैं मैनी अ मैन हैज कम टू इंडिया फ्रॉम कैनेडा टू लिव हियर परमानेंटली कई लोग कनाडा से इंडिया आए हैं यहाँ परमानेंटली रहने के लिए बेटा क्लास नोट्स कलर्ड है क्लास नोट्स कलर्ड है अब सुनो बेटा ध्यान से मैं आपका ये चैप्टर वाइज ले रही हूँ मतलब क्लास वाइज ले रही हूँ इंग्लिश बाय नीतू मैम पे इसको मैं चैप्टर वाइज चाहे चैप्टर वो तीन घंटे में ख़त्म हुआ हो या चार घंटे में ख़त्म हुआ चैप्टर वाइज लोड करूँगी वीडियो सेक्शन में वीडियो सेक्शन में केडी लाइव में बेटा केडी लाइव में कम्युनिटी पोस्ट पे मैं कोई कितने क्वेश्चन अब डालना शुरू कर रही हूँ रेगुलर बेसिस पे इंग्लिश का और मेरे कई टीचर्स एस एस सी के डी लाइव में भी आपको बाकी सब्जेक्ट में हेल्प कर रहे हैं ये तीन चैनल आप जरूर सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको और नोटिफिकेशन के लिए बेटा वहाँ बेल आइकन दबा देना ताकि जब भी कोई क्लास हो आपके पास आ जाए देखो और हम लोग बेटा हमेशा आपको रेलिवेंट कॉन्टेंट्स देते हैं हम लोग बकवास नहीं पढ़ाते हैं सिर्फ वो पढ़ाते हैं जिससे आपका सलेक्शन हो देखो Hmm. अब यहां से अगेन ये बेटा ये एक पूरा कंप्लीट स्ट्रक्चर है तीन सेक्शन का वो पूरा एक साथ मुझे करा, कराना पड़ेगा प्लेथोरा ऑफ मतलब होता है बेटा ढेर सारा प्लेथोरा इस हमेशा ढेर सारा ये पूरा कंप्लीट तीन सेक्शन है जिसको मुझे एक साथ पढ़ाना है तो इसीलिए इसको मैं नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट कराऊंगी अब क्योंकि इस क्लास में इसको खत्म कराना मुश्किल है ठीक है सुनो ध्यान से बेटा मैंने एक इंग्लिश का अलग से चैनल शुरू किया है स्पोकन इंग्लिश बाय नीतू सिंह में और नीतू मैम स्पोकन इंग्लिश बाय नीतू मैम और उसमें बेटा याद रखना कि मैं आपको बिल्कुल एकदम बेसिक से कि इंग्लिश कैसे लिखा जाता है और कैसे इसका कैपिटल इन स्मॉल लेटर बनता है यानी जिन में से जो भी बच्चे यहाँ पर ऐसे बैठे हैं जिनको सही में कुछ नहीं आता इंग्लिश और इंग्लिश बोलने की चाहत रखते हो वो प्लीज़ इस चैनल को आज सब्सक्राइब कर देना स्पोकन इंग्लिश बाय नीतू मैम और इसमें मैं <coughs> रेगुलर बेसिस पे सिर्फ स्पोकन के बहुत स्मॉल वीडियोस लेके आऊंगी एक एक कॉन्सेप्ट पे और बिल्कुल एक एक कदम बढ़ाते चले जाएंगे मैंने इसलिए अलग कर दिया क्योंकि इस चैनल पे स्पोकन का नहीं बहुत अधिक डिमांड है सिर्फ और सिर्फ एग्ज़ाम रिलेटेड इंग्लिश का और उसके कारण क्या होता है स्पोकन वाले बच्चे बिल्कुल ये फील करते हैं कि हमको कोई हमारे पर कोई ध्यान ही नहीं मैम का तो उसमें एक अलग से टाइमिंग रहेगा और जिसमें रोज़ एक वीडियो डल जाएगा बहुत बेसिक से हम शुरुआत करेंगे तो कल से हम चाहते हैं कि आप इसको आज सब्सक्राइब कर लोगे तो कल से हम शुरू कर सकते हैं और ये क्लास सब्जेक्ट वर्व एग्रीमेंट आज तीसरा क्लास था फोर्थ क्लास में कंप्लीट हो जाएगा और फोर्थ क्लास में मैं चाहूँगी कि आप लोग फिर वॉल्यूम वन से पूरा प्रैक्टिस कर लेना आज ही जाके प्रैक्टिस शुरू कर देना नेक्स्ट क्लास में जैसे मेरा चैप्टर खत्म होगा आप अपने क्वेश्चन पूछते जाना और मैं आपको जवाब देते जाऊँगी ठीक है ऐसे आप चाहो तो केडी लाइव ऐप को डाउनलोड कर लीजिए उसमें एक डाउट सेशन है एक डाउट सेक्शन उसमें आप जब डाउट्स पूछोगे ना तो आपको जवाब 24 फोर आवर्स के अंदर हमारी टीम कर देगी और बढ़िया से जवाब दे देगी आपके क्वेश्चन का तो के डी लाइव ऐप को डाउनलोड जरूर कर लो बैच खरीदना हो नहीं खरीदना हो आपकी मर्जी लेकिन वहां पे आप डाउट्स पूछ सकते हो वहां पे बहुत सारे ढेर सारे आ, आपको पी मिलेंगे और अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या स्पोकिन की तैयारी कर रहे हो तो बेटा एक हमारा टेलीग्राम चैनल है और टेलीग्राम चैनल में याद रखना सिर्फ एक ही वर्ड अलग है उसमें वो है स्पोकन इंग्लिश बाय नीतू सिंह यहाँ पे नीतू मैम है यूट्यूब चैनल पे यूट्यूब पे नीतू मैम है स्पोकन इंग्लिश बाय नीतू सिंह है वहां पे और उसमें आप रोज एक स्टोरी में डालने की कोशिश करती हूँ और वो स्टोरी चाहती हूँ कि आप पढ़ो ठीक है चलिए आज इतना ही रहने दीजिए नेक्स्ट क्लास में आपसे मुलाकात कल ही होगी और आज मेरा एक नया बैच शुरू हुआ था 41 नंबर बैच उसका डेमो मैंने इसी चैनल पे लिया है तो वो ज़रूर देख लेना थैंक यू सो मच गुड नाइट